चांटी, ऐसा लग रहा कहीं अजीब सी आवाज दूर सुनाई दे रही है, वापसी नहीं मिल रही है। एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। कौन सा भैया? दीक्षा है तुम्हें गीत रख रहे हो दादा? जाना पहचाना गीत है आपके लिए, कोई मुश्किल बात नहीं ना। के अंग मेरे कहने प्यासी उमरिया, अंग मेरे गहने प्यासी उमरिया, बैरन हो गई मैं बिन सवरिया, सर को झुका सयानी कस गए मैं ना लड़ी। धन्यवाद धन्यवाद। तो रंग महल के दस दरवाजे, रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली, सयानी कस गए मैं इतना सरल गाना है, लेकिन गीत को सुनिएगा। राजा जनक को अपने प्राण पर विश्वास था, भैया लोगों से निवेदन कर रही हूं कि मेरा प्रयास सुने और प्रसंग को भी बड़े ध्यान से सुने। राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो भी धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी सीता का विवाह उससे करा दूंगा। लेकिन होता क्या है कि राजा जनक को अपने प्राण पर विश्वास था, सब राजाओं ने भी किया पूरा प्रयास था, तो सीता के योग्य वर अभी तक मिल नहीं सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए आए और धनुष रखा है, लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि सीता के योग्य वर अभी तक मिल नहीं सका, क्योंकि धनुष उठाना दूर हिल नहीं सका। धनुष उठाना तो दूर, बड़े बड़े राजाओं से वो धनुष जरा सा भी खसका तक नहीं, हिला भी नहीं। राजा सोचने लगे क्या कि विधना ने लिखा भाग्य का ये लेख
निकले मिथिला के समाज के आंसू। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए, उनको लग रहा है कि आज मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। ये देखकर क्या, ये सुन के निकले मिथिला के समाज के आंसू, जब विलाप करके निकले जनक राज के आंसू। अश्रु को भर कर ऐसी बानी बोले। दादा गीत को बड़े गौर से सुनिएगा, सुनना जवाब बढ़िया आएगा, क्योंकि दादा दादा हैं। और क्या, दादा दादा हैं। दादा जवाब नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, और क्या। लेकिन दादागिरी हम चलने भी नहीं, चलने नहीं देंगे। गीत सुनिए। धनुष रखा है बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार तोड़ नहीं पाए। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। जानकी एक तरफ खड़ी है, सोच रही है मेरा विवाह होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो राजा जनक के मुंह से एक बात निकली। देखिए फिल्मी गीत कह रहा रंग महल के 10 दरवाजे, लेकिन राजा जनक कह रहे हैं कि रंग भूमि में 10 सिर वाले। धन्यवाद है दादा। लोग कहने लगते रावण तो अकेला था, आप वाले कह रही हैं। लेकिन चूंकि राजा के दरबार में है और राजा का मतलब है वो सम्मान करे अपने अतिथि का, तो वो रावण को वाला नहीं कह सकते, इसलिए वो कह रहे हैं कि सभा में रावण जैसा विद्वान, रावण जैसे महान व्यक्तित्व के धनी ऐसे विद्वान भी आए हैं, लेकिन आज धनुष नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो राजा जनक ने कहा कि रंग भूमि में 10 सिर वाले काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, काहू से नाही जब चाप चढ़ी है। तो राजा ने कहा हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी। बस दादा गाने में हाय शब्द है, हाय ये हाय हाय शब्द आदमी दुख में भी कहता है और खुशी में भी कहता है, बस भाव बदल जाते हैं। और क्या, आदमी किसी को बहुत अच्छा देखे सुंदर देखे तो कहे हाय कितना सुंदर है, और अगर दुख पड़ जाए तो भी आदमी कहता हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो बस ये दो बातें हैं। शाबाश, कैसे तो रंग भूमि में 10 सिर वाले काहू से नाही जब चाप चढ़ी, तो हाय विधाता कैसी दुख की। सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है, सीता सोच रही है क्या हो रहा है। सुभा कटे तो सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है, और नैनों से बहती आंसुवन की झड़ी है, तो हाय विधाता कैसी दुख की। कैसी
खड़ी है सभा बड़े सभा जी, और मैं निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन सुनिएगा। सुनिए। राजा जनक जब सीता को देखते हैं तो उन्होंने कहा बिटिया बिटिया के तज दे ये कहने धूनी रमाले, ये श्रृंगार उतार दे, तज दे ये कहने धूनी रमाले और गले में तुलसी की माला सजा ले। क्यों ऐसा कहा? क्यों? राजा जनक कह रहे अब जनी को भाके भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई। तो कहा कि आज ये विपदा मेरे सर पे पड़ी है, जिसकी लड़की सयानी लड़की कुंवारी रह जाए उस बाप पर क्या बीत रही होगी। तो आज ये विपदा मेरे सर पर पड़ी है, तो ले रहा विधाता परीक्षा की घड़ी, तो हाय विधाता कैसी दुख की बड़ा। गीत को आगे बढ़ा रही हूँ, ये रोष ये दुख पूरी सभा में फैला है, लेकिन तब तक प्रभु राम बगल में बैठे हैं अपने गुरु जी के पास। और आप लोग जानते हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि गुरुवर ने कहा उठो राम भंजौ भव चापा और मेटहु ताप जनक परितापा। उठो उठो राम जाओ। और जैसे ही सुना तो प्रभु राम ने अपने गुरुवर के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर आगे बढ़े आगे बढ़े। तो दुख में लगाओ विराम रहे हैं और धनुष भंग कर वो श्री राम रहे बड़ी आसानी से प्रभु राम ने उस धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। सवार तो दुख में लगाओ विराम रहे हैं धनुष भंग कर वो श्री राम रहे हैं। और जैसे ही धनुष टूटा तो बरसी है नभ मंडल से सुमन की छड़ी है। अब इन पंक्तियों को सुनिएगा, अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। के बरसी है नभ मंडल से सुमन की छड़ी है तो जयमाल लेके सिया आगे बढ़ी है। धन्यवाद है। और जब जयमाल लेकर बढ़ी तो वो जो दुख की घड़ी है अब वही राजा कह रहे हैं कि हाय विधाता कितनी सुख की लेकिन अभी गीत समाप्त नहीं हुआ दादा, अभी गीत समाप्त नहीं हुआ और क्या? अब वाली डायरी में मिलेगा भी नहीं। सुनिए, भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और दुनिया जानती है कि जब विवाह होता है तो एक जयमाल की रस्म में लड़के को कुछ लोग ऊपर करते हैं, लड़की को कुछ लोग ऊपर करते हैं कि बड़ी आसानी से माला ना पड़ जाए। भगवान श्री राम को बार बार ऊपर उचका दिया जा रहा है। सीता जी सोच रही क्या करूं, तब तक उनकी एक सखी बोली क्या के बोली सिया से सखी रुकना पड़ेगा। के बोली सिया से सखी रुकना पड़ेगा तो लंबे पिया है
झुकना पड़े लेकिन झुके कैसे कैसे बार बार राम ऊपर हो जा रहे हैं। तब तक जानकी ने लक्ष्मण की तरफ देखा और लक्ष्मण जी अपनी भाभी माँ का इशारा समझ गए लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और जैसे ही पकड़े तो प्रभु राम उनको झुककर उठाने लगे। सीता ने चट्ट से जयमाल डाल दी। धन्यवाद है, यह राम की लीला। और जब जयमाल पड़ गई तो लिखना पड़ा क्या कि तब राम जी के गले माला पड़ी है, कि तब राम जी के गले माला पड़ी है, आशीषों ने लगाई सुमन की छड़ी। तो हाय विधाता कितनी सुखद सीता मन ही मन मुस्कुरा कर कह रही है मैं जानती थी जवाब दे, क्योंकि कभी माँ ने कहा था खसी माल मूरत मुस्कानी के ऐसे ऐसे मिलेंगे मेरे ऐसे मुझको मिलेंगे मेरे राम, ऐसे आएगा मन को आराम, ऐसे मुझको मिलेंगे मेरे सियावर रामचंद्र की जय। आइए गीत बहुत अच्छा आया है, बहुत बढ़िया गीत आया है और मुझे भी तर्ज बतानी पड़ेगी। बिल्कुल फिल्म में कहा गया क्या और देखिए ऐसा गाना गाया कि फिल्म भी अपने नाम की लगाई थी। क्रांति क्रांति कहा गया, प्रयास कर रहा हूं क्रांति जी, हो सकता है आपसे बढ़िया ना गा पाऊं। हाँ हिम्मत करिए, हम लोग साथ में हैं। अच्छा बेटा ठीक है, छप्पर उठवावे के ना हम लोग टेवकी लगाए हैं। देखिएगा फिर मालूम कहा के अंग मेरे गहने सुधना लीनी हाय राम मोरी सुध
21 रुपया श्री आनंदेश्वर मंदिर परमठ कानपुर से 21 रुपये का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अच्छा होगा कि इस साथ में नाम लिख दिया करें, बार बार हमको पूछना पड़ता है। बहुत बढ़िया गीत आया। रंग भूमि में दस सिर वाले क्योंकि फिल्मी लाइन कहती है रंग भूमि में दस दरवाजे, रंग भूमि में रंग भूमि के दस दरवाजे, दस हाँ रंग महल के दस दरवाजे। अब दरवाजे तो दरवाजे है क्रांति जी, तो बहुवचन है दरवाजे, सही आया है। फिल्म वालों ने लिखा रंग महल है जब दरवाजे हैं तो फिर दरवाजे हैं, लेकिन आप कह रही है रंग भूमि में दस सिर वाले, इसका मतलब रावण के अलावा और भी कई दस सिर वाले वहां बैठे थे। जहां तक बारीकी की बात है, देखो कितनी बारीक, ठीक है गीत आपका। रंग भूमि में दस सिर वाले काहू से नहीं जब चाप चढ़ी है, तो हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी, और सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है, सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है, नैनों से बहती आंसुओं की झड़ी है, हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी। ये बड़ा ही मूल्यवान पुरस्कार हमारे सम्मानी श्रद्धेय श्री जयवेंद्र जी यादव चौकी गंगा बैराज आपकी ओर से ये 201 रुपए का एक मूल्यवान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं समंडल आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए अच्छा कुछ पुरस्कार हैं बाद में बोल देता हूं। बहुत बढ़िया गीत आया है, प्रयास कर रहा हूं कि इधर उधर ना भागना पड़े, ऐसा ना हो कि लड़ाई हो और कोई हमको मारे ना, और हम घर जा करके तब मारने आवे को आए, अच्छा नहीं है ना। लड़ाई तुरंत फाइट होनी चाहिए, सवाद आए तो वहीं से जवाब, बिल्कुल जो कुछ हो तुरंत हो आर पार। अब क्रांति जी ने कहा रंग भूमि में दस सिर वाले काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। राजा जनक के करुण क्रंदन से स्वयं लक्ष्मण जी द्रवित ही नहीं हुए बल्कि क्रोधित भी हो गए, क्योंकि जब राजा जनक ने कहा क्या इस धरती पर कोई वीर ही नहीं रहा। ये हेलमेट लगाइए, हाँ चालान होगा। तो आप देखें लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा अगर कहो तो मैं धनुष क्या इस पृथ्वी को गेंद की तरह से उछाल दूं। ये लेकिन इशारा किया प्रभु श्री राम ने और वो बैठ गए। प्रभु श्री राम उठे, गुरु के चरण छुए और धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो फिर आदरणीय क्रांति जी बात वहीं से बढ़ी कि जब उधर परशुराम जी को पता चला कि
कि मेरे इष्ट भगवान शिव के धनुष को भंग कर दिया गया है। वो आए और फरसा तपतमाते हुए क्रोध में सभा में आए। तब देखे, अब बात रंग भूमि है तो रंग भूमि के बाहर आदरणीय क्रांति जी नहीं जाऊंगा। सुनिए बिल्कुल, के रंग भूमि में परशुराम जी आ गए तो रंग भूमि में दस सिर वाले कुछ नहीं। अरे रंग भूमि में दहल उठे परशुराम जी के क्रोध से। अरे रंग भूमि में दहल उठे सब। अरे परशुराम की सुन के बानी कड़ी है, सब सोच रहे हैं कि हाय विधाता कैसी मुश्किल खड़ी है। क्योंकि अरे समस्या हुई जब हल, ये एक समस्या तो हल हुई श्रीमान जी, समस्या हुई हाँ समस्या हुई जब हल ये तो दूजी समस्या, समस्या हुई जब हल ये तो दूजी समस्या। मुनिराज को टूटे, मुनिराज को टूटे धनुष की पड़ी है। क्या बात, ये धनुष की पड़ी है, हमारी लड़की कुंवारी नहीं जा रही। बात है, बात है, क्या बात है बाबा जी। अरे समस्या हुई हलिए, हाँ समस्या हुई जब हलिए तो दूजी समस्या। मुनिराज को टूटे धनुष की पड़ी है, विधाता कैसी मुसीबत खड़ी। पहली पत्ती देखा, अरे मन में बेचारे अपने सिया सुकुमारी, मन में विचार
था मैया गौरी को कि यही हमारे पति हूँ। अब जब धनु टूट गया, पति हो गए, जब ये समस्या मन में बिचारे अपने सिया सुकुमारी, अरे पनती ये बात कैसी विधना ने दिखा। अरे माला पिरोई जिसकी टूटी लड़ी है, माला पिरोई जिसकी टूटी लड़ी है, अब अखियों से उनके आंसुओं की झड़ी है। आए विधाता कहती मुसीबत टुकड़ा आदरणीय क्रांति जी और देखिएगा, शायद आपको पसंद आ जाए। जय हो जय हो। तालिया। और हमारे सम्मानी श्री अशोक सरैया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भैया श्री अशोक जी सरैया 51 रुपए का पुरस्कार, साथ में पुष्पहार प्रदान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 21 रुपए का पुरस्कार रतिराम ज्ञानी की कहानी है अजब गजब, कौनो नहीं सानी रहा इनका जमाने में, और ज्ञानी की उपाधि से सुशोभित है रतिराम, कीर्तन सुनोइया कौन ऐसा जो जाने ना। क्या बात है हमारे भैया सी अनिल ज्ञानी, क्या बात है, बहुत बहुत बेजोड़ लिख दिया आपने। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये तो आप लोगों की महानता है, लेकिन सुनिए, सीता ये सोचने लगी कि जब ये घड़ी शुभ आई है तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा आखिरी टुकड़ा, लक्ष्मण की बानी सुन के है।
अब क्या कैसे करें, हाय राम आया खुशियों के क्षण में विराम आए, अब क्या कैसे करें, ये है बाबा जी की कलम।